मजदूरी देती है 8 पक्षी भी कितनी है? 700 रुपये देंगे। कितनी है 700? मजदूरी दी 700 की है जी। नहीं भाई इतनी ज़्यादा है कि इंसान उसको सोच भी नहीं आता, और रहते मजदूरी 700 रुपये इस जुलम नहीं। पूरी पक्षी भी 700 रुपये, इसमें क्या गुजारा लो? अस्ते से लाके भी 700 रुपये तो और बकाया मकनी का था करा। तुझे मजदूरी समझ गए ना? मजदूरी कर, मजदूरी कर देंगे। कितने अरसे तो 4-5 महीने हो गए। तो तू सर इसमें गुजारा हो गया 700 में? बस इस पर तक ही गुजारा होंगे, बस वो मकान का किराया तो नहीं हो, बिजली की बिल भी नहीं, खान की तरफ ही है। तो बस यही है कि इमदादी आटा जोड़ा मिलता था उसकी कोशिश कर दी, वो भी नहीं मिले। तो इधर सरकारी आटा आते 1300 रुपया लो, उस जुल के लेना भी लग के चाह के उस ना गुजारा कर दूँ। तो 1700 में तुम कितने घंटे ड्यूटी करते हो? 8 घंटे जी। के बैल खुदाई वाला गोड़ी ताली? हाँ, गोड़ी ताली बैल खुदाई 8 घंटे ड्यूटी। गर्मी है या सर्दी है? हाँ गर्मी है सर। रोज़ाना दे पैसे मिलने या कदे कदे कठे मिलने? पैसे मतलब जिस तरीके का दिला है चाह करने 750-700 रुपये। 750-700 रुपये तो पैसे को जमा भी करने तो चाह देने, तो मजदूरी करके उस तो बाद भी अगर वो हाँ जुमेराती चाह देने पैसे है। तुम मुतमैन हो? और तो मुतमैन ही हाँ, लेकिन गले एक इसकी दिहाड़ मुझ कम है। उसकी हाथ कितनी दिहाड़ होनी चाहिए? कम से कम मजदूर की दिहाड़ 1000 रुपये होनी चाहिए। 6 दिहाड़ियाँ ला के काटे की बोरी तो मजदूर कहना कहना। 6 दिहाड़ियाँ ला के एक काटे की बोरी तो असल हो गए ना। थोड़े बच्चे कितने? 7। 7 बच्चे जी। तो एक महीने का कितना आटा लग गया? माणी महीने के 4 त्रोड़े। मतलब है 2 माण आटा जी? 4 त्रोड़े यानी के 10-10 किलो वाले 4 माण लगा जी। जी महीने का 4 माण जी? 4 नहीं लगते जी, 7 2 माण लग गए। 4 माण आटा लग गए जी। 4 माण कैसे लग गए? मुको मोड़े 15 आदमी है तो 2.5 माण आटा लग गए। तो उसके ना चावल हो सी? हाँ। अस तो सिर्फ एक कण का आटा ही होंगे। हाँ असि 10-12 रोटियाँ सुबह नाश्ते से पकाने, 12-13 रोटियां अं दोपहरी पकाने, 12-13 रोटियां शामी पकाने। दिन तकरीबन अस 30 रोटी पकती है। 1 किलो में कितनी रोटियां बन गई? किलो पर के अंदाज़ है जी? किलो पर तकरीबन हर आंदा ज़्यादा तो ज़्यादा भी नहीं है, 3 या 4 रोटियां हो सन। कितनी? 4 हो सन। हाँ, ये नाजरीन एक मज़दूर अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहे थे कि पखल के मैदानी एरिए में यहाँ पे मक्की की फसल काश्त होती है, यहाँ पे सब्जियाँ काश्त होती हैं, और इनका ये जो रेट मुकर्रर किया है 700 रुपया, इससे ज़्यादा इन्हें नहीं मिलता। सर्दी हो या गर्मी, 8 घंटे के 700 रुपया इन्हें मिलते हैं। और ये कह रहे हैं कि 6 दिन हम मजदूरी करेंगे तो 1 मन आटा इन्हें मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि 1000 रुपया अगर हमारी तैयार हो तो कुछ आटे में नमक के बराबर हमें रिलीफ मिल सकता है। बड़े अफसोस का मुकाम है। अच्छा, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? कोई और काम क्यों नहीं करते? और काम के करा किसी और कोई इतना होनोरा संकल्प भी नहीं जी। ना किया तो सुनो, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद किसी जगह दे? सबका तनौला दे, शहरी गोरिया। शहरी गोरिया, शहरी गोरिया, सबका तनौल। कितने अरसे तो ये मजदूर का काम कर रहे हो? 5-6 महीने। इस तो पहले क्या कर रहे हो? उस तो पहले ग्राम बच्चे ही नहीं मजदूरी करता, उस तो पहले कुछ अरसा सूदिए बच लाए। उसे भी नसेट ना हो? उसे बिन लादन कंपनी बंद हुई है, पाकिस्तानी 45,000 आदमी आए। तो उसे भी ना लाए? नहीं ना लाए। उसे सेट है? सेट है, अल्लाह का शुक्र अलहमदिल्ला। उसे अच्छा सा कम 40-45,000-50,000 रुपये मिली तनख्वाह बन दी सी, लेकिन कंपनी बंद हो गई। फिर असम भेज के रहा हिसाब दे कि 3.5 साल का फिर था ये था। दोबारा मुझे अप्लाई की थी, लेकिन असम को कोई ऐसा कम भी नहीं मिला, और पैसे भी नहीं, गुंजाइश भी कोई नहीं। ये मजबूर है जी, आज योम है मई मजदूर का दिन है, और इस मजदूर के दिन के मौके पर इनकी अपनी दास्तान है, और इस वक्त में मौजूद हूँ पखल का ये मैदानी इलाका है, तराह ताजल ताजल नकोट, ताजल नकोट है। तो यहाँ पे तम्बाकू होता है, फसल मक्की रबी
की होती है और उसके साथ आलू काश होता है, बहुत सारी फसलें होती हैं। बस शुक्र क्या करें, ना होने से बेहतर है किसी पे गुजारा करें, लेकिन है इनके साथ जाती है। ये रेट कौन मुकर्र करता है आप? कुछ सरकारी सतह पे होता है या आप ही खुद ही? हाँ, मालकान करते हैं किसी बढ़ेरे का मुकर्र है जी। हो सकता है किसी बढ़ेरे का मुकर्र की थी तो 700 रुपया जारी, इसके बारे में कह लूँ। हाय हाय, लुट जाएगी दुनिया, तो इंसाफ करोगे दुनिया के मुनसिफों।